बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबरकातुहू। मेरा नाम शबाना परवीन है और मैं गोरीमा चुरंगी पर रहती हूँ, नाजमाबाद में। मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। मैंने अखबार में एड देखा इनका, डॉक्टर फ़हीम का, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और हर वक्त मुझे शुगर रहती थी, 550 शुगर आती थी। मैं डॉक्टर की दवा लेती थी मगर मुझे कोई फ़र्क नहीं हुआ। मगर जब मैंने इनका एड अखबार में देखा तो मैंने फ़ौरन इनसे रुजू किया और मैं इनकी क्लिनिक आई और जो फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन दी। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, मुझे बहुत पेन थे हर जगह। फिर डॉक्टर फ़हीम ने मुझे मेडिसिन दी तो अल्लाह के शुक्र से आज 15-20 दिन हो गए, बल्कि एक महीना होने वाला है, मगर मेरी तबीयत अब बहुत बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ठीक हूँ और हर जगह मेरे पेन था, पट्टों में हर जगह वो शुगर मेरी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी, मगर अब यह है कि मेरी शुगर बहुत कंट्रोल है, अब 150-120 इतनी रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे बहुत सही कर दिया। और अपने आखिरी दफ़ा आपने शुगर चेक की थी तो कितनी आई थी? 120 आई थी और अब बस 25 और 120 ही रहती। पहले कितनी आती थी? पहले मेरी 550 ही रहती थी, डॉक्टर की खाती थी मेडिसिन बोलते हैं तो, मगर वो सही नहीं होती थी। मैं उसके बाद से अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतर हूँ, डॉक्टर फहीम की दवा खा रही हूँ और आज मैं बहुत ठीक हूँ। अच्छा ये बताइएगा आप कि शुगर के अलावा क्या क्या मसले मसाइल थे जब डॉक्टर साहब के पास आई थी? पेशाब कितनी दफ़ा करती थी? पेशाब भी बहुत ज़्यादा आता था और गुर्दों में भी बहुत तकलीफ थी मेरे, और ना हर जगह बॉडी में बहुत पेन रहता था और सर में भी बहुत दर्द रहता था, मगर ये अब और आँखों में भी बहुत अंधेरा आता था ना, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत बेहतर हूँ। मैं इनकी मेडिसिन खा रही हूँ और डॉक्टर साहब बहुत हाथ पाँव सुन होते थे? हाथ पाँव सुन रहते थे, मेरी बॉडी भी बहुत सुन रहती थी और गुर्दों में तो बहुत दर्द था। और लोग ये कहते हैं कि हकीमी दवा खाने से गुर्दों में दर्द होता है। जब आप पहली पहली दफ़ा आई थी हाँ, तो आप बड़ी डरी हुई थी, सब हाँ, आपको सब ने डरा दिया था कि तुम हकीमी दवा खा रही हो इससे तो गुर्दे फेल हो जाते हैं, जबकि आप एलोपैथिक दवा खा रही थी उससे गुर्दों में दर्द था। अब बताएं गुर्दों के दर्द का? अब गुर्दों में इतना दर्द नहीं है और बहुत सही है। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा पेन था गुर्दों में बहुत ज़्यादा। फिर डॉक्टर के वो कह लेंगे, लोग कह लेंगे हकीमी दवा खाओगे ना तो बिल्कुल तुम्हारे और दर्द होगा, मगर ये कि आप जैसे दवा खा रही बहुत ज़्यादा बेहतर है और गुर्दों का दर्द भी सही है, हाथ पैर भी तो सुन थे वो भी बहुत बेहतर है। और मतलब दूसरे शुगर के मरीजों को क्या मशवरा देंगे? मैं उनको ये मशवरा दूंगी कि वो भी डॉक्टर फहीम से रजू करें और वो भी जो है ना डॉक्टर फहीम को दिखाए, यानी हर्बल जड़ी बूटियों से रजू करें। डॉक्टर फहीम क्या कोई भी अच्छा हकीम हो कि हाँ, जड़ी बूटियों से फ़ायदा होता है? मैंने भी अपनी सिस्टर को भी बताया है, उनको भी बहुत ज़्यादा ना शुगर है तो वो भी आएंगी यहाँ पर, और उनको भी मैंने यही मशवरा दिया है कि डॉक्टर फहीम के आप पास रजू करें और वो हर्बल जो जड़ी बूटियाँ ना ये बहुत अच्छी होती हैं।